थकन तो होगी जब तुम उसे कबूल नहीं कर रहे जिसका रुख तुम्हारी तरफ है और बाग उसके पीछे रहे हो जिसकी पुष्ट तुम्हारी तरफ है। याद रखो कि जो तुम्हारी तरफ आता है वो दर हकीकत भेजा हुआ होता है और जो तुमसे दूर जाता है वो तुमसे हटाया गया होता है, बस तुम इसे कबूल नहीं कर पाते।